पहिलं केंद्र ॲट ग्रॅनिल त्याचं उद्घाटन आज झालं बुलढाणा अर्बन आणि महिला उद्योगाच्या माध्यमातून. काय त्यांना लोकांना नाही, आज बुलढाणा जिल्हा कृषी विभागाच्या माध्यमातून बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह संस्था यांच्या पुढाकारानं आणि मदतीनं आणि बचत गटाच्या सहकार्यानं बुलढाणा जिल्ह्यातलं पहिलं हे सेंद्रिय भाजीपाला विक्री केंद्र आणि त्याच्याबरोबरीनं मग काही फळं असतील किंवा इतर बाबी असतील त्याचं एक अधिकृत पहिलं विक्री केंद्र आज बुलढाणा येथे सुरू झालेलं आहे. सेंद्रिय शेती, सेंद्रिय भाजीपाला, सेंद्रिय धान्य, सेंद्रिय फळबाग याचा प्रचार आणि प्रसार अनेक वर्षापासून आपल्याकडे सुरू होता आणि अलीकडच्या काळामध्ये रसायन खताचा वापर करून, औषधीचा वापर करून पिकवल्या गेलेली फळं असतील, भाजीपाला हे खाल्ल्यामुळं अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव मनुष्याच्या शरीरात होतो ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून समाजाचा कल अलीकडच्या काळामध्ये सेंद्रिय पद्धतीनं म्हणजे ज्याच्यामध्ये खतं औषधी याचा वापर न करता सेंद्रिय खताचाच वापर करून पिकवल्या गेलेली भाजीपाला आणि फळं ही आता खाल्ल्या गेली पाहिजेत, ती सेवन केली गेली पाहिजेत अशा प्रकारचा कल समाजाचा अलीकडच्या काळात वाढत चाललेला आहे. आणि देश पातळीवर आणि राज्य पातळीवरसुद्धा या सगळ्या गोष्टीचा प्रचार आणि प्रसार हा मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी होऊन राहिलेला आहे. आणि आज बुलढाणा येथे अशा प्रकारचं केंद्र सुरू झाल्यामुळं पालकमंत्री या नात्यानं मला मनापासूनचा आनंद या ठिकाणी आहे. बुलढाणा अर्बनचे सर्वे सर्वा माननीय राधेश्यामजी चांडक, बुलढाणा मतदारसंघाचे आमदार माननीय संजीवू गायकवाड आणि आपले जिल्हाधिकारी आणि आता कृषी विभागाचे सचिव डवले साहेब हे सुद्धा प्रामुख्याने इथे या ठिकाणी आजच्या या कार्यक्रमाला हजर होते. मी खऱ्या अर्थानं बुलढाणा जिल्ह्यातील नागरिकांच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीनं, आरोग्याच्या दृष्टीनं भविष्यामध्ये त्यांनी सेंद्रिय पद्धतीचाच वापर त्या ठिकाणी केलं पाहिजे अशा प्रकारचं आव्हान आणि विनंतीसुद्धा आजच्या प्रसंगाच्या निमित्तानं करतो. बुलढाणा जिले में बुलढाणा अर्बन और कृषि विभाग की ओर से बीयू नेचुरल बास्केट का आज ज़िले का पहला केंद्र जो है शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी अभी पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने द्वारा यहां पर किया गया. बुलढाणा अर्बन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुकेश झवर जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे. सर, ये जो पहल आपने की है तो क्या लगता है इसका किसानों को कितना इसका फ़ायदा होगा? आज बीयू नेचुरल बास्केट ऑर्गेनिक स्टोर का उद्घाटन हुआ. यहाँ जो संकल्पना है इसके पीछे एक किसानों को मदद करने का उद्देश्य तो है ही, साथ में जो ग्राहक है उनका भी इसमें बहुत फ़ायदा है. आज आप देख रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग होता है, कीटकनाशकों का उपयोग होता है और उसकी वजह से जो हमारी किसान की ज़मीन है उसका क्वालिटी बहुत ही नीचे जा रहा है, उसमें का नाइट्रोजन कंटेंट कम हो रहा है और उसी वजह से आने वाले पीढ़ी के लिए ये ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं रहेंगी. इसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑर्गेनिक जो हमारे यहाँ सब्जियाँ है, फल है, इनका प्रमोशन शुरू किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाए या फल उनका मार्केट में बेचे. इसके दो फायदे हैं, एक तो किसानों के लिए भी फ़ायदा है कि थोड़ा सा कीमत ज़्यादा होती है तो उसको भी फ़ायदा मिलता है, दूसरा जो रासायनिक खत है उसका खर्चा उसका बचता है और ज़मीन की मात्रा जो हम जो शेत खत है या शेण खत है, गोबर के खाद का खत है, ये सब हम यूज़ करते हैं या गांडू खत है, इस प्रकार के खाद हम उपयोग करते हैं और इससे ज़मीन अच्छी होती है. दूसरा जो उपभोक्ता है उसे यहाँ जब ऑर्गेनिक सब्जियाँ या फल मिलते हैं तो जब भी हम रासायनिक फवारनी किए हुए फल या सब्जी खाते हैं कुछ मात्रा में रसायन हमारे पेट में जाते हैं और उससे हमारी तबीयत पे बहुत बड़ा असर कैंसर के माध्यम से या एसिडिटी के माध्यम से होता है. तो अगर हम ऑर्गेनिक फल खाएंगे, ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाएंगे तो ये रसायन हमारे पेट में नहीं जाएंगे और जो कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है या इतर बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा. तो दोनों तरफ से किसानों को फ़ायदा है, एक तरफ से उपभोक्ता को फ़ायदा है. हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया, उनके बहुत बड़े सहकार्य से ही यह संभव हो पाया और ये 100% ऑर्गेनिक एक सब्जी मार्केट आप बोल सकते हैं ये है. ग्राहकों को भी इससे फ़ायदा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हम काम करें और आने वाले समय में और भी बड़े प्रमाण में ऐसे स्टोर खोलने का मानस है. हमारे कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से किसान वहाँ पे अपना सब्जी और सब फ्रूट्स रख सकते हैं
तो यहाँ के जितने भी प्रमोटर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बुल्ढाना अर्बन है, उसके सब कर्मचारी है, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और विशेष करके मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ। वो आए और हमें इतना प्रोत्साहन दिया। आने वाले समय में निश्चित तौर पर और भी किसानों और उपभोक्ताओं के लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद सर। महिला उद्योग कहा गया है तो महिलाओं को कितना, उनको आर्थिक स्थिति उनकी बढ़ने के लिए कितना ये कारगर उपयोग होगा ये बताओ। आज महिलाओं के लिए एक बड़ी मात्रा में रोजगार भी इसके माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। सब्जी और फल ये किसान का एक बाय प्रोडक्ट के जैसा ही प्रोडक्ट है। मेनली वो तुअर लगाता है, सोयाबीन लगाता है, चना लगाता है और साथ में सब्जियां लगाता है। तो औरतें इसमें सब्जी का पूरा उनका जो भंडारण है, सब्जियों की जो बुआई है, कटाई है, ये सारा काम औरतें ही देखती है। बचत गट के माध्यम से हम लोग ये सब्जियां अच्छे से पैक करना, पॉलिश करना, इनका मार्केटिंग करना और इसकी वजह से तकरीबन एक उनकी आय में एक 20-25% का वृद्धि, अगर ये ऑर्गेनिक स्टोर अच्छे से चले तो निश्चित तौर पर हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो इससे महिला बचत गट को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद सर। तो ये पहला जो यहाँ पर बुल्ढाना शहर के अंदर चैतन्यवाड़ी में ये पहला यूबी नेचुरल बास्केट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया बुल्ढाना अर्बन द्वारा और कृषि विभाग द्वारा, ये साथ मिलकर ये काम यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। देखते हैं ये कितना कारगर होगा, लोगों को और किसानों को कितना इससे फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन योगेश के साथ में दीपक मोरे, विदर्भ टीवी बुल्ढाना।